अंजुमन इस्लामिया ने लोहरदगा बंद का आह्वान किया है। हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी और नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के विरोध में लोहरदगा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान बंद रखने की अपील की गई है। अंजुमन इस्लामिया की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। अंजुमन इस्लामिया द्वारा घोषित इस बंद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। अंजुमन इस्लामिया की ओर से बंद को सफल बनाने के लिए शहर में प्रदर्शन भी किया जाएगा। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की नज़र है। संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नजर रखी है। लोहरदगा जिले में घटित घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बंदी का रीजन यह है ना कि हम लोगों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो नुपुर शर्मा और एक और उसका नाम हमको नहीं पता, ये लोग ने जो गलत बयानबाजी किया है उनके खिलाफ में, जो बहुत ही दर्द हम लोगों को मुसलमान समाज के लोगों को हुआ है उसके बयान से और बहुत ठेस पहुंचा है, तो उनको सज़ा दिलाने के लिए कैसे व्यक्ति को जो अमन चैन को ख़राब करना चाहते हैं और हम लोग के भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उनको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग बंद का आह्वान किए हैं। और ये बंद झारखंड का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। मोहम्मदिया मिशन के तरफ से आज बंद का ऐलान किया गया है, जिसका हम लोगों ने लोहरदगा इस्लामिया समर्थन करती है। और हम लोग यहाँ पर कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं बंद, हम लोग अपने स्वेच्छा से सारे लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने बंद कीजिए। और जो नबी के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठाए हैं उसको हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे और काला बिल्ला लगा के हम लोग अपने उसका गुस्सा का इजहार करेंगे। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।